नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सफारी करने जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सबसे पॉपुलर जोन की दोबारा, जो कि है थिकाला जोन। यहां पर हम दोबारा सफारी करने आए हैं क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज लास्ट डेट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के थिकाला जोन की, आज है 15 जून। इसके बाद कल से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो थिकाला जोन है वो लगभग 3 महीने के लिए ऑफ हो जाएगा ड्यूरिंग मॉनसून सीज़न। और आज की जो सफारी है बहुत यूनिक और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। जैसे कि मैंने बताया, लास्ट डे तो है ही सही, लेकिन आज हम कुछ अलग एंगल से, कुछ अलग नज़रिए से थिकाला जोन को देखेंगे। तो चलिए, आइए हमारे साथ चलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के थिकाला जोन में। तो अब हम पहुंच चुके हैं धनखड़ी गेट, जो कि थिकाला जोन का मुख्य एंट्री गेट है। यहां पर टिकट और आईडी वेरिफिकेशन के बाद हमारी सफारी स्टार्ट होती है। तो अब हमारा टिकट वेरिफिकेशन हो चुका है और अब हम सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो चलिए अब चलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के थिकाला जोन में सफारी के लिए। तो अब यहाँ से हमारी सफारी स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है जिसमें हम अंदर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। थिकाला जोन में कैंटर सफारी का ड्यूरेशन लगभग 6 आवर्स का होता है, यानी कि यह सफारी लगभग 6 घंटे की होती है। यहाँ की सबसे कॉमन वेजिटेशन है साल ट्रीज की। ये जो बड़े बड़े पेड़ हम देख पा रहे हैं, ये हैं साल ट्रीज के। और कड़ी पत्ता, जो हम खाना बनाने में उपयोग लेते हैं, उसकी वेजिटेशन यहाँ की दूसरी कॉमन वेजिटेशन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में काफ़ी वैरायटीज़ के वाइल्ड एनिमल्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर स्पॉट कर सकते हैं। अभी हमारी शुरुआत हो रही है स्पॉटेड डियर्स के साथ, जो कि एक हर्बीवोर है, यानी कि एक शाकाहारी जीव है। स्पॉटेड डियर की आईसाइट काफ़ी अच्छी होती है। अगर टाइगर कुछ दूरी पर भी है तो ये उन्हें अच्छे से देख पाते हैं और अलार्म कॉल निकालते हैं, जिससे कि अदर वाइल्ड एनिमल्स सतर्क हो जाएँ कि टाइगर आसपास ही है। स्पॉटेड डियर्स को हिंदी में चित्तीदार हिरण या फिर चीतल भी कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ सफारी के दौरान टाइगर को ढूंढना एक बहुत ही एडवेंचरस टास्क होता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सफारी के दौरान हम जंगल में हैं और जंगल में टाइगर की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती, कोई पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट नहीं होता कि वहाँ हम जाएं और टाइगर को देख लें। हमें यहाँ पर टाइगर को ढूंढना पड़ता है और यहाँ पर जंगल के अंदर टाइगर को ढूंढने के लिए 2 तरीके हैं जिन्हें अपनाया जाता है, जिन्हें फॉलो किया जाता है। पहला तरीका है कि हमें रास्ते पर देखते हुए चलना होता है कि कहीं टाइगर के पग मार्क्स तो नहीं जो कि रोड पर दिखाई दे रहे हैं। अगर पग मार्क्स हमें दिखाई देते हैं तो हमें पग मार्क को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ना पड़ता है ताकि हम टाइगर को देख सकें। दूसरा तरीका होता है अलार्म कॉल या वार्निंग कॉल का। अगर हमें जंगल में टाइगर को ढूंढना है तो हमें अलार्म कॉल या वार्निंग कॉल को शांति से सुनना पड़ता है। अगर कहीं टाइगर है तो वहां पर अलार्म कॉल आती है। अगर टाइगर हल्का सा भी मूवमेंट करता है तो वाइल्ड एनिमल्स जो कि उस टाइगर के आसपास के एरियाज में हैं, वो टाइगर को देखकर एक स्पेसिफिक आवाज निकालते हैं जिसे अलार्म कॉल या वार्निंग कॉल कहते हैं, जिससे कि दूसरे वाइल्ड एनिमल्स सतर्क हो जाते हैं कि इस एरिया में टाइगर है और अब उन्हें बचकर रहना है। तो इस अलार्म कॉल का फायदा हम उठाते हैं टाइगर को ढूंढने में, ताकि हम टाइगर को देख सकें। अभी हम देख रहे हैं एक सांभर डियर जो कि हमसे काफ़ी करीब है। सांभर दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा हिरण है। मेल सांभर डियर के सिर पर सींग होते हैं, जबकि फीमेल सांभर डियर के सिर पर सींग नहीं होते। और अभी हम जो सांभर डियर देख रहे हैं, ये एक फीमेल सांभर डियर है। सांभर डियर की आईसाइट वीक होती है, लेकिन इनके अलार्म कॉल काफ़ी एग्जैक्ट होती है कि अगर इन्होंने अलार्म कॉल दी, इसका मतलब है कि टाइगर आसपास होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी स्मेलिंग पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है। अभी हम देख पा रहे हैं बार्किंग डियर, जो कि काफ़ी छोटी साइज़ का हिरण होता है। इसका नाम बार्किंग डियर इसलिए है क्योंकि इसके आसपास जब भी खतरा होता है, जैसे कि टाइगर अगर इसके आसपास है, तो ये अलार्म कॉल निकालता है, जो कि ऐसा लगता है कि एक डॉगी भौंक रहा हो। अभी हम देख पा रहे हैं एक वाइल्ड बोर, जिसे हम हिंदी में जंगली सुअर कहते हैं। ये एक ओमनीवोरस मैमल है, यानी कि एक ऐसा जीव जो कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों है।
एक मेल वाइल्ड बोर फीमेल से थोड़ा बड़ा और हैवी होता है साइज में। उसके दांत भी नजर आ रहा है। दांत है उसके? दांत है लेकिन वो बालों से वो हो रहा है। ये रिवर देख रहे ना, ये रिवर का नाम है रामगंगा। इसमें क्रोकोडाइल घड़ियाल भी है। जहाँ पर गहरा पानी वहाँ पे हर जगह पे नहीं है, जहाँ जहाँ गहरा पानी, जैसे धूप के लिए बाहर आते हैं ना तभी दिखते हैं, पर आजकल तो धूप बहुत ज़्यादा तेज है इसलिए एकदम बाहर नहीं आते, विंटर में जो है बाहर आते हैं। तो अब हम इस घने जंगल से होते हुए एक ऐसे एरिया की ओर बढ़ते जा रहे हैं जिसे कहते हैं ग्रासलैंड्स, यानी कि घास के मैदान, जहां पर टाइगर, एलिफेंट्स और अन्य वाइल्ड एनिमल्स के दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब यहां से शुरू होते हैं ग्रासलैंड्स, जो कि वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग के लिए एक प्रीमियम एरिया है। और ये देखिए, यहाँ पर हाथियों की एक बहुत बड़ी फैमिली नज़र आ रही है। इसमें मेल, फीमेल और साथ में बेबी एलिफेंट शामिल हैं। जिन हाथियों के दांत हैं वे सभी मेल एलिफेंट्स हैं और जिनके दांत नहीं हैं वो फीमेल एलिफेंट्स हैं। अभी हम यहाँ पर जितने भी हाथी देख पा रहे हैं ये सभी वाइल्ड एलिफेंट्स हैं जो कि अभी यहाँ पर ग्रेजिंग कर रहे हैं। हाथी पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है जो कि जमीन पर रहता है, यानी कि एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड मैमल ऑन दिस अर्थ। हाथियों की खाने पीने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। एक हाथी एक दिन में औसत 100 से 250 केजीस तक फूड कंज्यूम कर सकता है, यानी कि 100 से 250 किलो तक खाना खा सकता है और एक दिन में अप्रॉक्स 200 लीटर तक पानी पी सकता है। तो अब हम कुछ ही देर में ग्रासलैंड के एक ऐसे पोर्शन की ओर बढ़ने वाले हैं जहां पर टाइगर के दिखने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जहां पर टाइगर हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन उससे पहले हम चल रहे हैं धिकाला रेस्ट हाउस की तरफ, जहां पर कैंटर को कुछ देर के लिए रोका जाएगा फॉर फैसिलिटीज एंड रिफ्रेशमेंट। यहाँ पे नाइट स्टे के लिए बने हुए हैं सारे रूम। अब तो क्लोज हो गया आज, आज लास्ट डे है, 15 जून क्लोज हो गया और ये ओपन जो होगा 15 नवंबर से ओपन होगा। तो यहाँ नाइट स्टे प्रॉपर जोन, ये जो जोन है नाइट स्टे जोन है, ये एक ऑप्शन राइड। तो करीब 3 महीने ये बंद रहता है मानसून की वजह से? नहीं, 4 महीने। अच्छा, 4 महीने बंद रहता है। जिप्सी सफारी होती है जी, नाइट स्टे करोगे तो जिप्सी सफारी, और अगर आप नॉर्मल स्टे नहीं करना चाहते हो तो कैंटर। ठीक है सर, अभी यहाँ से हम लोग ग्रासलैंड की तरफ जाएंगे। देखिए, ढिकाला जोन का रेस्ट हाउस है। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, हम रुक चुके हैं यहाँ पे। ये ढिकाला जोन करीब 20-30 किलोमीटर्स के बाद पड़ता है वहाँ से जहाँ से हमने सफारी शुरू की थी। यहाँ पर आपको कुछ देर का वेट मिलता है, टाइम मिलता है, आप चाहे तो यहाँ पर वॉशरूम कर जा सकते हैं और यहाँ छोटी मोटी कैंटीन भी बनी हुई है, आपको कुछ खाना पीना हो तो आप खा सकते हैं। अभी हमें एक जिप्सी इंफॉर्मेशन देकर गई थी कि आगे की ओर टाइगर है। अब हम उस एरिया में पहुंच चुके हैं जहां पर टाइगर की साइटिंग हो रही है। अगर हम यहाँ से नॉर्मली देखने की कोशिश करें तो हमें टाइगर नज़र नहीं आ पा रहा है, लेकिन यहाँ से अगर हम जूम करने की कोशिश करें तो हमें काफ़ी हद तक टाइगर नज़र आता है। टाइगर हमसे काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। देखें, यहाँ पर आप टाइगर को देख पाएंगे जो कि पानी में लेटा हुआ है। देखिए, अभी हम सभी लोग टाइगर को काफ़ी दूरी से देख रहे हैं। देखिए, टाइगर हमसे बहुत दूर है। काफ़ी ज़्यादा जूम करने के बाद हम टाइगर को यहाँ से देख पा रहे हैं। देखिए, बहुत दूर है टाइगर, पानी में लेटा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइगर हल्का फुल्का मूवमेंट जो है अपना शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए, हल्का फुल्का मूवमेंट आपको यहाँ पर टाइगर का दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ से हम थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, टाइगर ने अपना हेड जो है टर्न किया यहाँ पर। यहाँ पे पापा भी है, बहुत सारे लोग हैं हमारी जिप्सीज़ के। टाइगर दिखा,
सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत सारे लोग हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। टाइगर दिखा है, सब लोग टाइगर का वेट कर रहे थे और यहाँ पे जो है टाइगर हमको दिखा, बहुत ज्यादा ही दूर है, ढंग से नहीं दिख पा रहा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है और करंट सेंसस के अनुसार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगभग 250 टाइगर्स हैं, यानी कि 250 के लगभग यहां पर टाइगर हैं। लास्ट डे पे हमको टाइगर दिखा है। अभी हमारी सफारी का टाइमिंग काफी सारा बचा हुआ है और अभी हम जंगल के और अंदर जाने वाले हैं, जहां पर टाइगर और अन्य वाइल्ड एनिमल्स के दिखने के चांसेस और भी ज्यादा हैं। अब यहां से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एक ऐसे एरिया की तरफ जहां पर टाइगर के दिखने की संभावना और भी ज़्यादा है। यह ग्रासलैंड एरिया है जहां पर टाइगर के दिखने की संभावना हो सकती है, तो हम यहां पर चेक करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वैसे अभी यहां पर हमें वाइल्ड बोर नज़र आए जो कि जंगली सुअर हैं। यहाँ पर देखिए ये अंदर की ओर जाते जा रहे हैं, ग्रास के अंदर, ग्रासलैंड में ये आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हाथी नज़र आ रहा है, काफ़ी दूर है लेकिन काफ़ी अच्छे से हम इसको देख पाएंगे। देखिए ये हाथी है जो कि अभी यहाँ पर ग्रासलैंड में ग्रेजिंग कर रहा है। और अब ये देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है वो प्रीमियम एरिया जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स के दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ग्रासलैंड है जिसमें हम चलते जा रहे हैं आगे की ओर, और यहाँ पर चांसेस इसलिए भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट नहीं है। अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल होगा तो हमें वो ईजिली यहाँ पर दिखाई देगा। और ये देखिए यहाँ पर हाथियों की एक बहुत बड़ी फैमिली है जो कि अभी हम यहाँ पर पानी के सोर्स के पास ग्रेजिंग करते हुए देख पा रहे हैं। अभी हम हाथियों की एक बहुत बड़ी फैमिली देख रहे हैं जिसमें मेल, फीमेल और बच्चे शामिल हैं। अगर हम हाथियों के और करीब जाने की कोशिश करते हैं और अगर हाथियों को हमसे खतरा लगता है तो वो हम पर चार्ज कर सकते हैं, हम पर हमला कर सकते हैं। इस वजह से हम हाथियों को काफ़ी दूरी से देख रहे हैं, काफ़ी जूम करने की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हम हाथियों के और करीब नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम यहाँ से हाथियों को काउंट करने की कोशिश करें तो ये लगभग 20 से 25 हाथी हैं जिन्हें हम यहां पर एक साथ अभी देख पा रहे हैं। हाथी की सूंड हाथी के कई तरह से काम आती है, जैसे कि नाक की तरह सांस लेने के लिए, हाथ की तरह कुछ उठाने के लिए, सिग्नलिंग डिवाइस की तरह एक दूसरे को कुछ मैसेज देने के लिए, एक औजार की तरह खाना इकट्ठा करने के लिए, डिगिंग करने के लिए यानी कि कुछ खोदने के लिए और भी बहुत कुछ। तो अब यहाँ हम नदी किनारे चेक करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टाइगर के दिखने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइगर को ठंडी जगह रहना बहुत पसंद है। तो टाइगर पानी के आसपास हमें मिल सकता है क्योंकि समर टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अगर आपको वाइल्ड एनिमल्स को देखने की होती है तो वो पानी के करीब होती है। जहाँ पर पानी है वहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली गर्मियों के टाइम में। और यहाँ पर एक टाइगर है जस्ट बुशेस के अंदर। देखा झट से देखा मैंने, देखिए यहाँ पर टाइगर है जो कि जस्ट बुशेस के अंदर बैठा हुआ है। ये टाइगर यहाँ पे उठ चुका है। गजब का दिखाया। देखिए अभी हम समर टाइम में यहाँ पर सफारी करने आए हैं लेकिन फिर भी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को देखना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और ये टाइगर भी यहाँ पर पास की झाड़ियों में है लेकिन फिर भी हमें क्लियरली नज़र नहीं आ रहा और ये झाड़ियों से होते हुए अंदर की ओर बढ़ता जा रहा है। अंदर जा चुका है, यहीं पे हम लोग जो सब लोग हैं वो देख रहे थे टाइगर को, एकदम से सामने आ गया था टाइगर, बिल्कुल जस्ट सामने जो है टाइगर मिला है। आप ना आगे लो ना, आगे लो नहीं तो
देखिए टाइगर जंगल के अंदर जा चुका है, अब वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर काफ़ी घनी झाड़ियाँ हैं जिनके अंदर वो टाइगर बैठा हुआ था, और बैठा होने की वजह से वो हमें क्लियरली नज़र नहीं आ पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो उठा तो हमें वो काफ़ी अच्छे से नज़र आया। अभी हम इस नज़ारे को दोबारा से देखने की कोशिश कर रहे हैं स्लो मोशन में, ताकि हम टाइगर को अच्छे से देख सकें। देखिए यहाँ से उठकर टाइगर पीछे की ओर गया और वहाँ जाकर उसने एक स्ट्रेचिंग पोजीशन बनाई। बहुत ही घनी झाड़ियों के पीछे अभी टाइगर है, हमें अभी भी वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक स्ट्रेचिंग पोजीशन वो बनाते हुए हमें नज़र आ रहा है। और स्ट्रेचिंग पोजीशन बना के वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेगा, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करेगा, ताकि वो इस स्थान से अंदर की ओर जा सके, क्योंकि टाइगर काफ़ी देर से यहाँ पर बैठा था, उसकी बॉडी एक तरह से इनएक्टिव हो गई थी। तो स्ट्रेचिंग करके टाइगर अब अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर रहा है, ताकि वो अब इस स्थान को छोड़ सके और जंगल में अंदर की ओर जा सके। तो अब हमारी सफारी का समय भी समाप्त होने को आया है, अब हमें उसी रास्ते को फॉलो करते हुए बाहर की ओर जाना होगा जिस रास्ते से हम अंदर की ओर आए थे। तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे पॉपुलर धिकाला जोन, जिसकी नेचुरल ब्यूटी, इसके लैंडस्केप, इसकी वेजिटेशन, इसका फ्लोरा एंड फौना हमें इसकी तरफ आकर्षित करता है, और हम आते हैं इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए। तो अब हमारा सफारी टाइमिंग खत्म हो चुका है, हम धनखड़ी गेट से बाहर आ चुके हैं जो कि धिकाला जोन का मुख्य एंट्री गेट है। धिकाला जोन मॉनसून के दौरान क्लोज रहता है, इसका क्लोजिंग ड्यूरेशन है 15 जून टू 15 नवंबर। लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कुछ जोन ऐसे भी हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर खुले रहते हैं, यानी कि वहाँ पर आप साल में कभी भी सफारी कर सकते हैं। धनखड़ी गेट पर एक म्यूजियम भी है जो कि जिम कॉर्बेट पर डेडिकेटेड है। जिम कॉर्बेट एक महान शिकारी थे जिनके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा गया। इस म्यूजियम का चार्ज है 100 रुपीज पर पर्सन। धिकाला जोन की हमारी सफारी काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी एक्साइटिंग रही, काफ़ी अच्छी साइटिंग हमें यहाँ पर हुई। अगर आप भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में विजिट करना चाहते हैं, यहाँ पर सफारी करना चाहते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन टिकट कैसे बुक किया जाता है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑथेंटिक प्राइजेस के साथ। तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। धिकाला जोन में कैंटर सफारी का चार्ज जो हमने पे किया वो था 1224 रुपीज पर पर्सन का, लेकिन इन फ्यूचर ये चार्जेस वेरी कर सकते हैं। करंट चार्जेस आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सफारी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के धिकाला जोन की। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमें काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।